मुख्यमंत्री ने खेती किसानी की प्रगति के लिए मनरेगा को कृषि से जोड़ने पर दिया जोर। 8वीं इंडियन हॉर्टिकल्चर कांग्रेस का किया उद्घाटन। विधानसभा चुनाव में निर्वाचन व्यय का ब्यौरा जमा नहीं करने वाले 123 प्रत्याशियों को आयोग ने थमाया नोटिस। रबी फसल के लिए बांधों से छोड़ा गया पानी, किसानों की मांग पर मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। और पुलिसकर्मियों के समस्याओं के निराकरण और कल्याण के लिए डीआईजी की अगुवाई वाली समिति ने डीजीपी को सौंपी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि खेती किसानी की प्रगति के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाना चाहिए। श्री बघेल ने आज रायपुर में आयोजित 5 दिवसीय 8वीं इंडियन हॉर्टिकल्चर कांग्रेस के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से गौठानों और चारागाहों का विकास किए जाने से लोगों को रोजगार के साथ साथ पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी हो सकेगी। उन्होंने आगामी 26 जनवरी को ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन कर प्रत्येक गांव में पशुओं के लिए गौठान और चारागाह के लिए स्थान चिन्हित करने पर भी जोर दिया। जो नारा है वो केवल नारा नहीं है। जैसे आपने मनरेगा से वर्मी खाद बनाने की विधि अपनाई है, उसी प्रकार से मनरेगा को हम शुरू कर रहे हैं। मनरेगा को कृषि से जोड़ना ही चाहिए। जब तक आप मनरेगा को कृषि से नहीं जोड़ेंगे, किसान का भला हो ही नहीं सकता। तो ये चारा की व्यवस्था सरकार करे, मनरेगा को मजदूर करके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सिंचाई के साधनों की कमी के साथ ही खुले में घूमते पशु कृषि क्षेत्र की बड़ी समस्या है। उन्होंने किसानों से पशुओं को बांध कर रखने का आग्रह किया। सिंचाई के बाद यदि दूसरी कोई समस्या है तो वो मवेशी है, जो खुले में, अभी फागुन महीना आने दीजिए, सारे जानवर खुले में घूमेंगे। बहुत गलत परंपरा हमारी छत्तीसगढ़ की है, बहुत सारी अच्छाइयां हैं हमारी छत्तीसगढ़ में, लेकिन एक गलत परंपरा है जो फागुन के बाद खुले में मवेशी खोल देते हैं। अब तो स्थिति यह है कि बरसात में भी खुला रहता है, गाय गरु हो गए, मवेशी अब बोर बन चुका है। और ये समस्या केवल छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश विदेश के 800 से अधिक उद्यान वैज्ञानिक और बागवानी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी खर्च का ब्यौरा निर्धारित समय में जमा नहीं करने के कारण 123 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया गया है। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर अपने निर्वाचन का व्यय लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को अपने व्यय लेखा विलंब से जमा करने पर कारण सहित प्रस्तुत करना होगा। सभी अभ्यर्थियों के व्यय लेखे का सार विवरण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव का व्यय लेखा जमा नहीं करने के कारण सबसे अधिक 32 अभ्यर्थियों को रायपुर जिले में नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार व्यय लेखा समय सीमा में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रत्याशी को 3 साल तक निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नियमानुसार 10 जनवरी को चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा करने का अंतिम दिन था। प्रदेश में मतदाता जागरूकता को हर स्तर पर बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता फोरम की शुरुआत की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने सीईओ कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सशक्त और प्रभावी चुनावी भागीदारी की संस्कृति विकसित करने के लिए प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय और कार्यालयों में मतदाता जागरूकता फोरम का गठन किया जा रहा है। मतदाताओं को मतदाता साक्षरता का ज्ञान उपलब्ध कराने और उन्हें मतदान प्रक्रिया से जोड़ने सभी कार्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में रबी फसल के लिए बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद गंगरेल बांध से करीब 700 क्यूसेक पानी सिंचाई के लिए नहरों में छोड़ा गया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में भी रबी फसल के लिए जांजगीर और अकलतरा मुख्य वितरक नहर से पानी छोड़ा गया है। इससे जिले के नवागढ़, अकलतरा, पामगढ़ और बलौदा क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। बताया गया है कि जांजगीर वितरक नहर से 10,000 हेक्टेयर रबी फसल के लिए 100 क्यूसेक और अकलतरा वितरक नहर से 15,000 हेक्टेयर में रबी फसल के लिए 150 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि किसानों की मांग पर मुख्यमंत्री ने रबी फसल के लिए किसानों को बांधों से पानी देने की घोषणा की थी। बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद किसान रबी फसल की तैयारियों में जुट गए हैं। और अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज में कुंभ मेले में संगम पर पूजा अर्चना की। इसके पहले उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में 2 दिवसीय गांधीवाद पुनरुत्थान सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। छत्तीसगढ़ सिख समाज द्वारा रायपुर में लोहड़ी पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवाओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महापौर प्रमोद दुबे भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने लोगों को लोहड़ी की बधाई देते हुए कहा कि खेती किसानी से जुड़ा ये पर्व पूरे देश में मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल आदि नामों से मनाया जाता है। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को जिनका परिवार 3 पीढ़ियों से 13 दिसंबर 2005 के पहले तक राजस्व या वन भूमि में काबिज है उन्हें वन अधिकार पत्र प्रदान किया जाएगा। श्री सिंहदेव ने बिलासपुर में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए। बस्तर में मक्का और जशपुर में कटहल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। कृषि उत्पादन आयुक्त केडीपी राव ने रायपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने किसानों की मांग के अनुरूप प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाने पर भी जोर दिया। स्कूलों में विद्यार्थी अब मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों और प्रधान अध्यापकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल का उपयोग किए जाने से शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को स्कूलों में मोबाइल फोन न लाने की समझाइश देकर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा तेल विपणन कंपनियों द्वारा 14 जनवरी से 15 फरवरी तक संरक्षण क्षमता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस ईंधन संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में तेल उद्योग के राज्य समन्वयक संतोष कुमार ने जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी दी। कार्यक्रम में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आम लोगों के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा आज भिलाई में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। बीएसपी भिलाई इकाई द्वारा आयोजित इस रैली को उप महानिरीक्षक उत्तम कुमार सरकार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्राम पंचायत सचिव संघ के बैनर तले जनपद पंचायत गीदम के पंचायत सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मांगों के संबंध में कलेक्टर सहित जिला और जनपद पंचायत के सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जांजगीर चांपा जिले में सड़कों की बदहाली से लोग खासे परेशान हैं। बमनीडीह विकासखंड के अंतर्गत कपिसदा बंसुला मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में लोगों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत किए जाने की मांग की है। प्रदेश में पुलिस अब सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में कांकेर जिले के अंतागढ़ में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत ओपन चैलेंज कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 170 टीमों ने पंजीयन कराया है। विधायक अनूप नाग ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।
कुछ खबरें विस्तार से। पुलिस कर्मियों के कल्याण और समस्याओं के निराकरण के लिए उप पुलिस महानिरीक्षक नेहा चंपावत की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी को सौंप दी है। समिति द्वारा प्रदेश के सभी जिलों, सशस्त्र बल, प्रशिक्षण और अन्य इकाइयों से इस संबंध में अभिमत और सुझाव प्राप्त किया गया है। राज्य की सभी इकाइयों के प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष चर्चा कर पुलिस कर्मियों की समस्याओं और उनके कल्याण के लिए विस्तृत राय ली गई है। सुझावों के आधार पर समिति ने अपनी अनुशंसा तैयार कर रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को सौंपी है। अब इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के कल्याण के संबंध में नीतिगत निर्णय ले सकेगी। गौरतलब है कि पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों द्वारा वेतन भत्तों में वृद्धि और साप्ताहिक अवकाश सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। पुलिस कर्मियों के परिजनों ने इस मुद्दे को लेकर कुछ माह पहले आंदोलन भी किया था। पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों से मुलाकात कर पुलिस महानिदेशक से लेकर पुलिस अधीक्षक तक उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया ने कहा है कि तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तृतीय लिंग समुदाय हमारे समाज के ही अंग हैं। आम लोगों की तरह इन्हें भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। आवासीय फ्लैट मिलने पर तृतीय लिंग समुदाय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महापौर प्रमोद दुबे भी मौजूद थे। यात्रियों को भारतीय रेल की विरासत से रूबरू कराने के लिए रेल प्रशासन ने अनोखी पहल की है। रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को डिजिटल संग्रहालय के जरिए रेलवे की राष्ट्रीय धरोहरों से अवगत कराया जाएगा। रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 5 प्रमुख स्टेशनों का चयन किया है। इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया शामिल हैं। इन स्टेशनों में डिजिटल संग्रहालय बनाया जाएगा। इसके तहत स्टेशन पर राष्ट्रीय धरोहरों को 1 से 2 मिनट की मूवी क्लिप के जरिए डिजिटल एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक तन्मय मुखोपाध्याय ने बताया कि डिजिटल संग्रहालय रेलवे की विरासत को आम यात्रियों तक पहुंचाने की एक पहल है। बेसिकली इसमें हम लोग बड़े टीवी स्क्रीन लगाएंगे जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है हमारे मंडल में, जैसे रायपुर और दुर्ग स्टेशन है। इन दो स्टेशनों को हमने चुना है। इसमें टीवी स्क्रीन्स में जो रेलवे के विभिन्न पहलुओं की विरासत है, जैसे स्टीम इंजन का एक दौर था, जो आज़ादी के पहले जो रेलवे की कंपनियां थीं, जैसे बंगाल नागपुर रेलवे का पार्ट ये हुआ करता था। इसके अलावा जो वर्ल्ड हेरिटेज रेलवेज हैं, हमारे 3 माउंटेनस रेलवेज जैसे ऊटी, दार्जिलिंग और कालका शिमला, ये और जो कुछ हमारे हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कोलकाता की बिल्डिंग, तो ये सारे हेरिटेज के जितने भी पहलू हैं इन पे हम लोग शॉर्ट क्लिप्स उसमें दिखाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि डिजिटल स्क्रीन स्टेशन के प्रवेश द्वार और बैठने की जगहों पर लगाई जाएगी ताकि यात्री आसानी से देख सकें। दुर्ग के साइंस कॉलेज के पास फिल्टर प्लांट में आज गैस रिसाव की वजह से हड़कंप मच गया। इस घटना से प्रभावित 6 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और राहत टीम मौके पर पहुंची। गैस की दुर्गंध और धुएं की वजह से आसपास कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई थी। बताया जा रहा है कि वाल्व की खराबी की वजह से क्लोरीन गैस के सिलेंडर में रिसाव हुआ है। एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सतर्क कर दिया गया है। कलेक्टर उमेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि घटना के कारण की जांच कराई जाएगी और सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तत्काल जो है पीएसपी से समन्वय करके ये टीम बुलाएगी और टीम बुला के अभी इन्होंने सब बंद कर लिया, सब शांति होने, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे आज ने भी कहा क्या क्या इसमें किस कारण से हुआ, टेक्निकल रीजन मिल जाएंगे। इसके अलावा जिले के जितने भी ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लान हैं जहाँ पे क्लोरीन गैस का उपयोग होता है वहाँ भविष्य में न हो, इसके लिए भी एक बैठक लेकर मैं प्रकाशन सब। वहीं इस मामले में नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन अभियंता आर के जैन को हटा दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने खेती किसानी की प्रगति के लिए मनरेगा को कृषि से जोड़ने पर दिया जोर। 8वीं इंडियन हॉर्टिकल्चर कांग्रेस का किया उद्घाटन। विधान
विधानसभा चुनाव में निर्वाचन व्यय का ब्यौरा जमा नहीं करने वाले 123 प्रत्याशियों को आयोग ने थमाया नोटिस। रबी फसल के लिए बांधों से छोड़ा गया पानी, किसानों की मांग पर मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। और पुलिसकर्मियों के समस्याओं के निराकरण और कल्याण के लिए डीआईजी की अगुवाई वाली समिति ने डीजीपी को सौंपी रिपोर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।